चैनल गाइस एक बार फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइस आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी एनएचएम 17,000 प्लस वैकेंसी के। देखिए जो रिजल्ट आप सभी लोगों ने कल का वीडियो हमारा देख लिया होगा कि हमारा एक मिशन था, मुहिम था 28 अगस्त लखनऊ चलो, ठीक है। इसका जो भी मुहिम था उसमें हम लोगों ने क्या बातें हुई और उसका सक्सेसफुल रहा मुहिम, रिजल्ट को लेकर वो सभी चीज़ें हमने बता दिया। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रिजल्ट का प्रारूप कैसे होगा, ठीक है। रिजल्ट में आप अपना स्कोर कार्ड देख पाएंगे कि नहीं दिखेगा कि नहीं दिखेगा जब आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। और रिजल्ट किस तरीके से होगा, ठीक है। क्या आपका जैसे आपका एनिमेचर प्रोग्राम हुआ, DHS प्रोग्राम हुआ, RVS के प्रोग्राम हुआ, इन सभी में क्या 3 गुना कैंडिडेट क्वालिफाई किए जाएंगे। जैसे आपका NUHM प्रोग्राम है, ठीक है, NUHM प्रोग्राम है, उसके बाद RBS के प्रोग्राम है, RBS के प्रोग्राम है, इसमें जो टोटल सीट है उसके 3 गुना लड़कों को क्वालिफाई किया जाएगा। RBS के में जैसे तीन सीट है उसका 3 गुना क्वालिफाई किया जाएगा, या ओवल आर आपकी वैकेंसी कितना भैया 17,000 है ना, तो इसका 3 गुना लिया जाएगा। वो सभी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे हम। उसके साथ ही साथ यहाँ पे बात करेंगे एनएम फार्मासिस्ट LT और स्टाफ नर्स की कट ऑफ के बारे में, ठीक है। अब कट ऑफ की वीडियो बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि देखिए आप टेस्ट कैसे करेंगे, जो मैं बता रहा हूँ कट ऑफ को कितना कट ऑफ जा सकती है, ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, कल की वीडियो जो हमने बताया है वो ओरिजिनल वीडियो है, बाकी जो भी यूट्यूबर बता रहे हैं उस वीडियो को आप ना सीरियस लें, ठीक है। वो भी चीज़ें सब फेक हैं, जो उन्होंने बता रखा है डेट आपका डिक्लेयर हो गया, ये हो गया, वो सभी चीज़ें फेक हैं। और गाइस देखिए उन महानुभाव से जो फर्जी के न्यूज़ फैला रहे हैं, ठीक है, एंकर के आधार पे प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है आप इस तरीके से ना चीज़ बताएं, क्योंकि जो हमने लेटर दे रखा है, ठीक है, जो लेटर वहाँ पे NHM को दे रखा है उसमें हम लोगों का नंबर है, नाम है, ठीक है, किनका किनका नंबर, किनका किनका नाम है, वो भी मैं चीज़ आपको दिखा दे रहा हूँ, और उसमें NHM का मोहर और साइन सिग्नेचर सब कुछ हुआ है। देखिए NHM की तरफ से जो लेटर दिए थे, दो पेज में दिया गया था, दो पेपर दिया गया था, ठीक है। एक तरफ पे अपना पूरा मैटर था, क्या क्या चीज़ें हुआ, क्या क्या नहीं, उसके बारे में डिटेल में हमने लिखा था। दूसरे पेज पे लास्ट दूसरे पेज पे जो हम लोगों का नाम था, जैसे देखिए जितने लोग प्रेजेंट थे 30, 34, 35 लोग, उनका नाम है, और उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये सिग्नेचर हमारा, यहाँ पे नंबर हमारा लिखा गया है, मोबाइल नंबर, और यहाँ पे देखिए संदीप कुमार जो थे उनका नंबर है, और यहाँ सुरेश कुमार, यहाँ भी मेरा नंबर है, प्रयागराज बाराबंकी एड्रेस दिखाया, और आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा नीचे की ओर यहाँ पे साइन सिग्नेचर और मोहर हुआ है, ठीक है, ये 28/28 यहाँ पे साइन और सिग्नेचर हुआ है, ठीक है। अगर किसी भी प्रकार की समस्याएं आती है या कुछ होता है तो ये चीज़ें हम लोगों के ऊपर आएगा, हम लोगों का नंबर मेंशन हुआ है। तो इसलिए रिक्वेस्ट ये है कि जो लोग फर्जी के न्यूज़ फैला रहे हैं, वो देख रहे हैं कि रिजल्ट डिक्लेयर है, जब आप इससे सीधी घोषणा ये सभी चीज़ें करके यूट्यूब पर भर भर के आ रहे हैं, प्लीज़ आप लोग उन पर प्रश्न करें, ठीक है। और उन यूट्यूबरों से भी रिक्वेस्ट है आप इस तरीके की वीडियो न बनाएं। गाइस यही वीडियो हमने कल के डेट में आपको अपलोड किया था यूट्यूब पे, ठीक है। और देखिए इस पे जो यही वीडियो मैंने यहाँ लिखा है ओरिजिनल वीडियो, ठीक है, इसी वीडियो में जो चीज़ें बताई गई है वही साफ और सुथरी बात है। और गाइस देखिए 30 मिनट का वीडियो अपलोड है ये, तो आप लोग वहाँ पे चिल्लाने लगे, अरे जब आप लोगों को ये सब किया जा रहा है, जो जो आपके साथ ये सब चीज़ें आप इस मूवी में साथ दिए हैं उनका नाम के बारे में तो बताना जरूरी ही था ना, ठीक है। और जो हम लोगों के ऊपर ये चीज़ें बताई जा रही है सब चीज़ का डिस्कस करना चाहिए, वो यार आपको 30 मिनट का वीडियो तो देख ही सकते हो, 2 घंटे की मूवी आपने आपको देखने में कोई नहीं होता है, बुरा नहीं लगता है। आप 30 मिनट का वीडियो आपको बुरा लग गया, 2 घंटे की मूवी आप देख लेते हो अच्छे से देखते हो, लेकिन 30 मिनट का जो आपके करियर वाला वीडियो है तो आप उसको नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है जिन लोग अभी डिटेल में अच्छे से नहीं देखें, वो वीडियो को जरूर जाकर देख लें, 30 मिनट वाला, उसका मैं लिंक भी दे दूंगा, और आप भी वीडियो उस यूट्यूब चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं, ठीक है। और सब कुछ इसमें हमने बता रखा है, और जो भी यूट्यूबर इसके अलावा वीडियो अपलोड किया, कोई आया नहीं था वहाँ पे, मेरे अलावा कोई नहीं आया था वहाँ पे, बाकी मैं सब चीज़ आपको दिखा भी दिया हूँ। और देखिए उस टाइम तो लखनऊ चलो मिशन आंदोलन में वीडियो बनाने में आपको प्रॉब्लम हो रही थी, आप वीडियो बनाए नहीं, जब अपडेट निकल के आ गया तो आप अपने चैनल पर फर्जी की न्यूज़ फैला रहे हो कि 15 तारीख के रिजल्ट की घोषणा हो गई है, 10 तारीख की रिजल्ट की घोषणा हो गई है, ऐसा न्यूज़ न फैलाएं प्लीज़। तो गाइस देखिए अब हम बात करते हैं मेन टॉपिक पे अपने, रिजल्ट का प्रारूप कैसे होगा, ठीक है। देखिए आपका सबसे पहले जो भी रिजल्ट आएगा आपकी, देखिए वहाँ पे एक PDF फॉर्म अपलोड किया जाएगा, जिनका जिनका सिलेक्शन हुआ रहेगा, ठीक है, उनका नाम पूरा मेंशन रहेगा, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, पिता का नाम, ये सभी चीज़ें लिस्ट वाइज ऐसे मेंशन रहेगी। आप स्कोर कार्ड तुरंत नहीं चेक कर पाएंगे रिजल्ट आने के, देखिए कट ऑफ भी जारी होगा, आपका कट ऑफ दिया जाएगा, पहली बार कट ऑफ दिया जाएगा, पहली PDF आपकी साइट पर कट ऑफ की अपलोड होगी, दूसरी PDF आपका जिनका जिनका सिलेक्शन हुआ रहेगा उनका नाम पूरा डिटेल में आ जाएगा। जैसे 3 गुना 17,000 सीट है तो 51,000 लड़कों का नाम आएगा उसमें, ठीक है, 51,000 लड़कों का नाम आएगा, 51,000 लड़कों का नाम आएगा उस PDF में। उसके बाद इन सभी चीज़ों के बाद 5 दिन के बाद, ठीक है, 5 दिन के बाद आप अपना स्कोर कार्ड चेक कर पाएंगे, रिजल्ट आने के 5 दिन के बाद अपना स्कोर कार्ड चेक कर पाएंगे, 5 दिन के बाद आपको पता चलेगा आपने कितना नंबर वहाँ पे गेन किया है, ठीक है, और आपकी आंसर की भी जो संशोधित आंसर की होगी वो भी आपको देख पाएंगे, ठीक है, कितना नंबर आपको नॉर्मलाइजेशन में मिला, ये सभी चीज़ें आपको 5 दिन के बाद दिखेगा। और भाई देखिए कट ऑफ बताने से पहले आपको कुछ हम बता देंगे आप टेस्ट किस वजह से कर सकते हैं मेरे ऊपर। देखिए गाइस अभी तक मैंने जब से चैनल पे वीडियो अपलोड करें 2 एग्जाम का कट ऑफ यहाँ पे प्रिडक्शन किया था, 2 कट ऑफों का, और ये सभी एग्जाम, ये सभी जो प्रिडक्शन हुआ है एग्जाम के 1 दिन के बाद का ही प्रिडक्शन हुआ है, ठीक है, आंसर की आने से पहले, आंसर की आने के बाद जो भी चीज़ें ये सब नहीं बताया गया, केवल एग्जाम कंडक्ट होने के ही 1 दिन बाद बताया गया। यहाँ पे आप देख रहे होंगे NM की UP SSC NM की जो वैकेंसी निकल के आई थी अभी हाल ही में, उसकी कट ऑफ का यहाँ प्रिडक्शन किया गया था, मेरे चैनल पर वीडियो पढ़ा है आप देख भी सकते हैं, और थोड़ा सा मैं वीडियो चला के भी दिखाऊंगा आपको। देखिए यहाँ पे हमने जनरल की कट ऑफ बता रखी है 45 से 55, ठीक है, 45 से 50 की, और OBC की कटाव 43 से 47 तक, SC की 36 से 41, ठीक है, ये चीज़ें मैंने बता रखा है, बाकी EWS की कटाव मैंने वैसे भी नहीं बताया, और EWS कटाव की नाव के बराबर गई है।
बाकी गाइस देखिए ऑफिशियल है ठीक है, ऑफिशियल कटाक की जो पीडीएफ आई थी यूपी त्रिपल एनएम की वो ऑफिशियल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ठीक है। 9212 पदों पर आयोजित लिखित परीक्षा एवं अधिमानी अंकों के आधार पर अभिलेख परीक्षा के उपरांत अंतिम चयन परिणाम का लंबवत एवं 36 आरक्षण कटाप अंक निम्नवत है ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं युवा की 50 कटाप गई है, मैंने बता रखा था युवा का कितना, भैया आपने बताया था कितना 45 से 50, बिल्कुल 50 गई है कटाप, एक नंबर आगे ना पीछे हुआ है ठीक है। और यहाँ पे आपने बता रखा था भैया ओबीसी की कटाप कितना बता रखा था, देखिए यहाँ पे ओबीसी की कटाप मैंने 43 बता रखा था, 43 से 47 के बीच में गई कितनी है भैया 42.50 कटाप गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं गई यहाँ पे अनुसूचित जाति कटाप मैंने कितना बता रखा है 35, और गई कितना है आप देख सकते हैं 35 ही बता रखा था, 35 गई ही है। एक बार आप और देख सकते हैं उस चीज़ का पीडीएफ मैं दिखा रहा हूँ, उस चीज़ का थोड़ा स्क्रीनशॉट दिखा, थोड़ा इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए ठीक है। कितना ये मैंने बता रखा है कितना मैंने जो बता रखा है उतना ये ऑफिशियल है ठीक है, जो बोर्ड की तरफ से आया है ये ऑफिशियल है, ऑफिशियल है ठीक है, ये ऑफिशियल है। और जो मैंने बता रखा है उसका मैं दिखाई दिया हूँ, देखिए ये मेरे द्वारा प्रोडक्शन किया गया था, ये आप देख सकते हैं ठीक है। यहाँ पे एक बार फिर आप देख लीजिए, यहाँ पे 36 मैंने बताया है अनुसूचित जाति और 35 गई है, 36 47 के बीच में बताया है, देख लीजिए। अब मैं वो थोड़ा वीडियो की क्लिप आप 1 सेकंड के लिए सुनाऊंगा बस, आज देखिए ये वही वीडियो है, यहाँ पे डिक्ट वगैरह सब मेंशन है, मैं थोड़ा इसको चला के आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको एग्जाम दिलवाने गए थे तो वहाँ पे हमने देखा था, कई लोगों से पूछा भी कितना नंबर आ रहा है और रिजल्ट आने के बाद भी उनसे आंसर किया आने के बाद भी हमने मिलाया है तो उसी के आधार पर मैं कटाप बता रहा हूँ, इससे ज्यादा कटाप नहीं जाएगी किसी भी हालात में ठीक है। तो जैसे कि बात कर ले जनरल, जनरल की 45 से 50 तक रहेगी, कम रहेगा लेकिन ज्यादा कभी नहीं जाएगा, 50 ज्यादा बहुत ज्यादा हो जाएगा 50, तो 48 46 ही रहेगा। और ओबीसी की बात करें तो गाइस 43 से 47 तक, 43 से 47 तक जिसका है उसका सिलेक्शन 100% होगा ठीक। उसके बाद एसटी की बात करें तो गाइस आपने देखा जो हमने पिछली वैकेंसी का प्रेडिक्शन किया था एनएम की वैकेंसी जो निकल के आई थी उसकी कटा बिल्कुल सेम टू सेम गई है, एक नंबर का इधर उधर नहीं हुआ। तो इतना आप किस तरीके से आप बता सकते हो इतना एकदम सटीक कटा किस तरीके से प्रेडिक्शन कर सकते हो भाई? देखिए मैं कुछ यहाँ पे मेरा कुछ वो है नहीं, लेकिन इतने एग्जाम देते देते मेरा अनुभव हो चुका है गाइस। आज पिछले 4 साल से एग्जाम हम दे रहे हैं और बहुत सारे एग्जाम दिए हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, तो उनका एनालिसिस करते हुए और चीज़ें देखते हुए ये अनुभव हो गया कि कितना आप कटाप चीज़ें के जा सकते हैं। अभी हाल ही में एम्स दिल्ली का एग्जाम हुआ था फार्मासिस्ट पे, उस पर भी मैंने प्रेडिक्शन किया था कि कटाप आपकी कितनी जा सकती है, उसमें से हमने ओबीसी का कटाप बताया था 64 से 67 के बीच में और कटाप गई है 62 पॉइंट कुछ करके कटाप गई है, आप सर्च भी कर सकते हैं। और जनरल की भी कटाप मैंने बता रखा था कि 68 से 72 के बीच में जा सकती है जनरल की कटाप, और उसके अंदर ही उसको सटीक कटाप गया है, आप वहाँ पे जाके गूगल पे सर्च कर सकते हैं या फार्मासिस्ट वाले आप उनको पता होगा कि चीज़ें कितनी कटाप गई है एम्स दिल्ली की ठीक है। अब मैं इस 17,000+ वैकेंसी का भी प्रोडक्शन कर रहा हूँ और इसके पहले भी कई वीडियो में बता रखा है गाइस। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कटाप की स्टाफनेस की, क्योंकि स्टाफनेस की कटाप मैंने नहीं बताया था, तो स्टाफनेस की कटाप बताया था ऑलरेडी, लेकिन अभी हाल ही में जो अपडेट था वो वैकेंसी घटने बढ़ने के बाद वो वाली कटाप मैंने नहीं बता रखा है। तो स्टाफनेस के लिए कटाप बताने से पहले कुछ जरूरी बातें आप जान लीजिए ठीक है। कटाप कम जाने का कारण क्या है, इस बार पेपर का लेवल हार्ड था, स्टाफनेस का पेपर का लेवल हार्ड था ठीक है, वैकेंसी ज़्यादा, स्टाफनेस की तैयारी का समय नहीं मिला था, सब प्रोग्राम का एग्जाम अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग दिन, एक दिन तो एक ही था लेकिन अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम हुए ठीक है। और देखिए आपकी कटाप जो भी है एनयूएचएम डीएचएस आरबीएस के कम्युनिटी प्रोसेस चाइल्ड सभी की कटाप अलग अलग आपकी जारी होगी और सभी सभी प्रोग्राम में 3 गुना लड़के सेलेक्ट किए जाएंगे, जैसे आपके इसमें भी सिलेक्ट है, इसमें भी सिलेक्ट है, इसमें भी सिलेक्ट है, इसमें भी, इसमें भी, आपने सभी प्रोग्राम में अप्लाई किया, सभी प्रोग्राम में आपका सिलेक्शन है तो आपका सभी जगह नाम दिया जाएगा कि आप तीनों चारों प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं। आप डीवी कराइए, डीवी के बाद आपको चॉइस में दिया जाएगा आप एनयूएचएम प्रोग्राम लेना चाहते हैं या डीएचएस प्रोग्राम लेना चाहते हैं या आरबीएस के प्रोग्राम लेना चाहते हैं, तो आपको एक प्रोग्राम दे दिया जाएगा, आप आपके ऊपर डिपेंड है आप कौन सा प्रोग्राम लेना चाहेंगे ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे एनयूएचएम प्रोग्राम आरबीएस डीएचएस आरबीएस तीन प्रोग्राम में आपका सिलेक्शन हुआ है तो आप जो देखेंगे बेटर है उसी को ले लेंगे ठीक है, इस वाले को आप एनयूएचएम के ले लेंगे, बाकी डीएचएस आरबीएस इसके में जो सिलेक्शन हुआ था आप उसको छोड़ रहे, तो ये चीज़ें जब आपकी जगह खाली हो जाएगी यहाँ पे तो यहाँ पे दूसरों को ये दे दिया जाएगा ठीक है। इसी तरीके से सेट करने में इनको मतलब प्रॉब्लम हो रही है, जो आपका 17,000+ वैकेंसी का एग्जाम कंडक्ट कराई है डीसीएस ठीक है, इसी की समस्या को सॉल्व करने के लिए उनको समय लग रहा है, इसलिए आपका रिजल्ट डिलीवरी हो रहा है। कल देखिए ये कटाप जो मैं बता रहा हूँ ये फाइनल कटाप इतना इतना नंबर है, और देखिए आफ्टर नॉर्मलाइजेशन पहली बात तो आप ये ध्यान रखिएगा ये कटाप जो है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन नंबर बढ़ने के बाद का है ठीक है। नंबर बढ़ने के बाद अभी जैसे ये 52 से 57 आपको ओबीसी दिख रहा होगा, ये जिनका 48 नंबर 47 नंबर 49 नंबर या 50 नंबर है तो उतना समझ लीजिए सिलेक्शन है हुआ है, उनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है डीवी के बाद, फाइनल सिलेक्शन उनका नाम हुआ है, ज्वाइनिंग होगी 3 नंबर पर ठीक है। बाकी आपका सिलेक्शन तो 40 45 में भी हो सकता है डीवी के लिए, क्योंकि 3 गुना क्वालीफाई करेगा तो अलग बात है, लेकिन मैं यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ। अगर 52 से 57 नंबर आपके आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के बाद बन जाएंगे तो आपका सिलेक्शन 110% है ठीक है। ये और मैं चीज़ें कभी और कॉन्फिडेंटली नहीं बोलता हूँ, जो मुझे पता रहता है एनालाइज चीज़ें को करके ही मैं बोलता हूँ ठीक है। तो यहाँ पे आप इतना नंबर जिनका है तो सिलेक्शन हो सकता है उनका आराम से, देख सकते हैं 1847 वैकेंसी है चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम में ठीक है। यूआर का 55 से 60 नंबर आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आ जाता है तो सिलेक्शन की पूर्ण रूप से एकदम तैयारी डीवी करवा लीजिए आप, उसके बाद ओबीसी के बाद 52 से 57 डीवी के लिए आप डॉक्यूमेंट रेडी रख लीजिए, कहने का मतलब ईडब्ल्यूएस का इतना, एससी का इतना। उसी प्रकार कम्युनिटी प्रोसेस प्रोग्राम में 1737 वैकेंसी है तो इसमें कितना कटाव जा सकती है, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 53 से 58 मैंने यूआर की कटाव बता रखी है और 1847 यहाँ पे है, यहाँ पे मैंने वैकेंसी ज़्यादा है फिर भी यूआर आपको दिख रहा होगा कि यूआर की कटाव हाई आपने बता रखा है और यहाँ पे वैकेंसी 1737 ही दिख रही है, फिर भी आपने यूआर की कटाव कम क्यों बता रखा, क्योंकि भैया इस वाले प्रोग्राम में यूआर की वैकेंसी कम है,
इस वाले प्रोग्राम में युवा की वैकेंसी ज्यादा है, किसके अपेक्षा, इसके अपेक्षा ज्यादा है, इसलिए मैंने यहाँ पे युवा की कट ऑफ बताई है। ठीक है, ओबीसी की कट ऑफ 51 से 56, देखिए बहुत से ज्यादा फॉर्म इसमें भी पड़े हैं, इसमें कम्युनिटी प्रोसेस में कम पड़े हैं। ठीक है, और यहाँ पे 51 से 56 ओबीसी का मैंने बताया। अब जिसका 47, 47, 49 है वो भी अपनी पूर्ण रूप से सिलेक्शन, समझ लीजिए आपका सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, आपका नॉर्मलाइजेशन और मैं बढ़ा के कट ऑफ बताया, 2-3 नंबर बढ़ा के, से ज्यादा कभी नहीं जाएगा, कम ही रहेगा आपका कट ऑफ। ठीक है, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की मैंने बता रखा है, उसका जैसी की, उसका जैसी की। ठीक है, बाकी एनयू एचएम प्रोग्राम की जो कि सभी का फेवरेट है और लगभग सभी ने इस प्रोग्राम में डाल रखा है, और वैकेंसी ज्यादा तो है नहीं, तो भाई देखिए यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा आपको हाई देखने को मिलेगा, यूआर को 60 से 64, ओबीसी को इतना, ईडब्ल्यूएस कितना। देखिए मैं बार बार बोलूंगा कट ऑफ आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के बाद, यहाँ पे नंबर बढ़ने के बाद आपके फाइनल सूची में सिलेक्शन में आपका नाम होगा, इतना नंबर अगर आप पाए तो, इससे 2-3 नंबर कम होगा तो भी टेंशन नहीं है। जैसे अभी आपने 45 नंबर पाया है और आपका नॉर्मलाइजेशन होकर 53 नंबर हो गया है, 54 नंबर हो गया है। ठीक है, तो वही 53-54 नंबर की मैं बात कर रहा हूँ कि इतना कट ऑफ आपकी जाएगी इस फाइनेंस सिलेक्शन में। ठीक है, बढ़ने के बाद, और यहाँ 50 फाइनेंस कमीशन में भी मैंने बता रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डीएचएस प्रोग्राम में, डीएचएस प्रोग्राम में टोटल वैकेंसी जो है इतनी निकल के आई है, ये बढ़ने के बाद प्लस 26 जो मैंने बताया वैकेंसी यहाँ की बढ़ने के बाद है। ठीक है, यहाँ पे देखिए यूआर की 63-67 के बीच में, ओबीसी की 59 से 64 के बीच में, इतना ईडब्ल्यूएस वालों का, इतना एससी वालों का, इतना एसटी वालों का। ठीक है, बाकी गाइस ये कट ऑफ आपको ज्यादा दिख रहा होगा, लेकिन डोंट वरी, ये कट ऑफ ज्यादा इसलिए दिख रहा है क्योंकि आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका ये कट ऑफ जाने वाला है। ठीक है, और अभी के नंबर जो आपके हैं आप कितना अनुमानित लगा सकते हैं कि अभी के नंबर जो आंसर की आई है, फाइनल आंसर की जो आई है, फाइनल आंसर की, और आपके सही गलत मिलाकर जितने स्कोर बन रहे हैं, ऑल आर एवरेज की मैं बात कर लूँ कि यूआर कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट हैं, अगर आपने कोई भी प्रोग्राम हो आपका, ठीक है, अगर आपने 55 से 60 के बीच में नंबर गेन किए हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और ओबीसी की मैं बात कर रहा हूँ, ओबीसी अगर आपने 45 से 50 के बीच में नंबर गेन किए हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, स्टाफनेस वालों की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी एससी एसटी वाले अपना नंबर, देखिए एससी वाले जो है 40 से 45, एसटी वाले आपका 38 से 42, ये सभी चीज़ें के बीच में आपका नंबर बन रहा है तो आपका सिलेक्शन डन है। और ईडब्ल्यूएस वालों का कटाव ओबीसी के बराबर ही, बल्कि ओबीसी से कम ही रहेगा, ओबीसी से ज़्यादा नहीं जाएगी, ईडब्ल्यूएस वालों की कटाव ओबीसी के बराबर ही रहेगा। ठीक है, इतना मान के चलिए। बाकी गाइस अब मैं एनएम, ठीक है, एनएम फार्मासिस्ट एलटी वालों की कटाव, देखिए एनएम, देखिए आपका अभी देखिए हाल ही में एग्जाम फार्मासिस्ट वालों को याद आ रहा है कि शायद एम्स रायपुर का एग्जाम है, एम्स रायपुर का एग्जाम है, अगर फार्मासिस्ट के जितने भी कैंडिडेट हैं उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट उनसे है कि आप अगर आपके 60 से 65 के नंबर स्कोर बन रहेंगे तो आप निगेटिव अटेंड ना करिएगा, इतने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा 60 से 65 के बीच में। ये एम्स रायपुर की मैं बात कर रहा हूँ, रायपुर फार्मासिस्ट में जो भी नंबर आए, जो भी वैकेंसी निकल के आई है, एग्जाम होने वाले हैं 4 तारीख को शायद एग्जाम है, तो आपके 60 से 65 के बीच में नंबर आप कर पा रहे हैं तो प्लीज़ आप निगेटिव मार्किंग में मत जाइएगा, 1/4 निगेटिव मार्किंग है, इतने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी की मैं बात कर रहा हूँ और यूआर की अगर 65 से 70 के बीच में जा रहे हैं तो आप निगेटिव मार्किंग अटेंड मत करिएगा। ठीक है, अगर देखिए एक इंपॉर्टेंट बात है, आप लोगों में से स्टाफनेस की बहनें जो भी हैं, स्टाफनेस की बहनें जो भी हैं यूपीएससी, ठीक है, यूपीएससी में जो वैकेंसी निकल के आई है, कमेंट जरूर आप करिएगा कि आपने फॉर्म अप्लाई किया है कि नहीं किया, बाकी आपके लिए कुछ टिप्स और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता सकूँ जिससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा आसानी से। यूपीएससी स्टाफनेस में जो वैकेंसी निकल के आई है, मेरे चैनल पर जितने भी स्टाफनेस की बहनें हैं या भाई हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने फॉर्म फिल किया है कि नहीं, अगर आपने किया है तो सर आप लिख दीजिएगा, सर यूपीएससी का फॉर्म मैंने फिल किया है। ठीक है, इस चीज़ को जरूर लिखिएगा। बाकी गाइस एक अपडेट, इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि देखिए अपडेट इंपॉर्टेंट ये है कि 26 सितंबर, ठीक है, 26 सितंबर को एक ट्विटर महा आंदोलन है जिसमें आप सभी को सपोर्ट करना है। किसके लिए भैया ये आंदोलन है? फार्मासिस्ट पैरामेडिकल वैकेंसी के लिए, ठीक है, फार्मासिस्ट पैरामेडिकल जिसमें से स्टाफनेस की वैकेंसी और फार्मासिस्ट की वैकेंसी और कुछ लैब टेक्नीशियन या लैब असिस्टेंट और डेंटल, ये सभी वैकेंसियाँ आती हैं, उसके लिए महा आंदोलन है 26 सितंबर को, जिसमें से आप लोग प्लीज ट्विटर अगर चलाते हैं तो उस दिन डेट को याद रखिएगा, उस दिन आप ट्वीट करिएगा, और ये बहुत ज़्यादा ट्वीट होने वाला है क्योंकि इसमें खान सर, अभिनव सर, पटना के जितने भी इंपॉर्टेंट टीचर्स हैं, फेमस टीचर्स हैं, प्रसिद्ध टीचर्स हैं, सब लोग ये डिसाइड करके एक डेट फिक्स किए हैं 26 सितंबर को। क्या रहेगा रहेगा मोदी जी रेलवे भर्ती 2, ये हैशटैग रहेगा। ठीक है, बाकी मैं आपको बता दूंगा, आप लोग जरूर सपोर्ट करेंगे। और गाइस देखिए इनम फार्मासिस्ट एलटी और स्टाफनेस की कटा मैं ऑलरेडी बता रखा हूँ, आप चैनल पे जाके देख लीजिएगा, अदरवाइज मैं आपको कमेंट बॉक्स में लिंक भी पिन कर दूंगा, जो आपका ये यहाँ से आप देख सकते हैं, मैं जो कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, तीनों जो भी वैकेंसी है तीनों पोस्ट के लिए इनका मैं पिन कर दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। बार बार उसी चीज़ को बताना अच्छा भी नहीं है गाइस, इसलिए मैं बोला हूँ, और मैं बार बार बोला हूँ कि लैब टेक्नीशियन वाले अगर आपके नंबर जो भी क्वालिफाइंग मार्क हैं उनसे ज़्यादा है या उतना है तो प्लीज़ आप डीवी के लिए तैयार रहिए, आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। बहुत कम कट ऑफ, सबसे लो कट ऑफ एलटी वालों की जाएगी, उसके बाद एनएम वालों की जाएगी, उसके बाद स्टाफनेस, और फार्मासिस्ट की कट ऑफ सबसे हाई रहने वाली है, इस बार हाई रहने वाली है, उतना हाई नहीं रहने वाला, जितना हमने बताया उतना ही रहने वाला है। ठीक है, फार्मासिस्ट की कट ऑफ एलटी वाले, तो प्लीज़ आप लोग डीवी के लिए तैयार रहिए, आप लोगों का सभी का सिलेक्शन हो जाएगा, अगर आपने क्वालिफाइंग मार्क जो नोटिस में दे रखा है अपना नंबर आपने गेन कर लिया है तो प्लीज़ आप डीवी तैयार रहिए, आपका सिलेक्शन डन है।
और भाई सर, कल की वीडियो देखने के बाद भी आपको लग रहा है कि सर ने रिजल्ट के बारे में कुछ नहीं बताया, एक डेट अनुमानित डेट नहीं बताया सर ने, तो सर ये बता रहे हैं कि 25 सितंबर से लेकर, ठीक है, 20 सितंबर से लेकर 25 सितंबर के बीच में आपका रिजल्ट आने वाला है, ठीक है, 20 सितंबर से लेकर 25 सितंबर के बीच में आपका रिजल्ट आने वाला है, ठीक है, बाकी उसके पहले भी आ सकता है, कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मैम ने बोला है मैक्सिमम 3 वीक, मैक्सिमम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 3 वीक और लगेगा आपका रिजल्ट क्लियर होने में, ठीक है, इसलिए मैं एक 20 से 25 की डेट बता रहा हूँ कि 5 दिनों, 20 और 25 से लेकर 5 दिनों में आपका रिजल्ट क्लियर होने वाला है, ठीक है। बाकी का जो भी अपडेट रहेगा चैनल पे आपको अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है, चैनल से जुड़े रहें। देखिए सब्सक्राइब करने के लिए मैंने ना तो पहले कहा था ना अब कह रहा हूँ, बाकी आप लोग लाइक कर देते हैं उसी से मुझे पता चल जाता है कि हाँ आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।